लास्ट क्लास में हमने एरे बना के देखा था, स्ट्रिंग एरे बना दूं एक में फोर, क्या होगा इसमें? कंपाइल होगा, रन होगा, प्रिंट भी करवा देते। चलो प्रिंटिंग के बगैर अभी रन होगा, पहले रन किया था। नहीं वो एरर, क्योंकि ये कह रहा है आपके इंडेक्सेस ही फोर है, तो आपने ये पांच वैल्यू क्यों दी? हम दे ही नहीं सकते, वैल्यू नहीं दे सकते चाइना। अब हो जाएगा, ठीक है। आप प्रिंटिंग जो है वो आप कर सकते हो जिसकी चाहो। ठीक है, टू पे। अब मुझे अगर सारे प्रिंट करने हैं तो मैं इसको तमाम प्रिंट कर सकता हूँ। देखो अभी सारे प्रिंट हो गए चारों नाम, ठीक है। अब ये चार नाम है मेरे प्रिंट हो गए। अब यही लिस्ट अगर मेरे पास 100 या 1000 की हो, देन मैं प्रिंटिंग कैसे करूं? 1000 टाइम्स नहीं, लूप के जरिए करूं, ठीक है। इसमें चेंजिंग क्या हो रही है? 0, 1, 2, 3 यही चीज चेंज हो रही है ना। तो इसकी जगह पर अगर हम एक लूप रन कर लें, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ये लूप चलेगा कितनी बार? 4 टाइम्स। पहले वैल्यू होगी 0, देन 1, देन 2, देन 3। तो इसको हम इस तरह लिख लें, S ऑफ i, यहां पहले 0 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम रन होगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे इस तरह भी कर सकते हैं हम, सही है, इस तरह भी कर सकते हैं। सर इससे ये कैसे बचाना कि ये S i है? आई है। अब यहां पे हमें देनी पड़ती है आई के अंदर वैल्यू 0, 1, 2, 3 ना, यही होता है। अब जब ये लूप रन होगा तो आई की वैल्यू भी चेंज होगी ना। अगर मैं जस्ट आई प्रिंट करता हूं तो आई की वैल्यू यही है ना, 0, 1, 2, 3। तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये आई की जो वैल्यू 0 है, S ऑफ 0 कंसिडर करेगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा S ऑफ 1 कंसिडर करेगा। यहां अगर आई को इस तरह प्रिंट कर लें, लेफ्ट पे आई प्रिंट हो रहा है, कर सकते हैं, करते हैं। तो ये प्रिंटिंग इस तरह हो जाएगी, 1000 चाहिए 4 की जगह 1000 लिख दो आप, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास, है ना। अब अगर इसको मुझे उल्टा प्रिंट करना है, फिर यहाँ 4 ग्रेटर 0 माइनस माइनस, सही है, रन हो जाएगा। हो जाएगा, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? एरर पढ़ो देखो क्यों आ रहा है। सर
इस पे है, वैसे इसी पे है, लेकिन क्यों है, आइडिया है? सर अपने मास जीरो नीचे लिखना है, बोला है टीचर, टीचर ने माइनस पर लिखे यहाँ पे इधर। देखो इसमें होता क्या है, थ्री लिखेंगे, थ्री लिखेंगे बिल्कुल, क्यों लिखेंगे? इसमें होता क्या है देखें, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, जीरो वन टू थ्री। तो अगर मैं इसको फोर से स्टार्ट करूं, पहला ही इंडेक्स एक्सेस कर रहा है फोर का, देन थ्री, देन टू, देन वन, जीरो तो चल ही नहीं रहा, तो फोर वाला एक्सेस कर रहा है, फोर पे तो है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो इसको हम थ्री से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो भी इंक्लूड करेगा। अब ये उल्टा प्रिंट कर दे, सही है? तो ये प्रिंटिंग एरे में इस तरह से होती है, क्लियर? एरे प्रिंट हो जाएगा कोई भी। अच्छा, अगर मुझे पूरा एरे प्रिंट करना है, ये तरीकेकार है। अगर मुझे एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, फर्स्ट कौन सा है, तो कैसे प्रिंट करूं? जीरो, जीरो पर ऑटोमेटिक फर्स्ट होगा, जीरो हो जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये एरे जो है ना, हमें अभी तो हमने खुद बनाया। नॉर्मली एरेस क्या होता है, हमें मिलते हैं या डेटाबेस से मिलते हैं या नेटवर्क से मिलते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता उसमें क्या चीज है। तो ऐसा एरे जिसकी हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं क्या चीज है, उसको कैसे प्रिंट करेंगे? लूप्स के जरिए करेंगे बेसिकली। साइज ही नहीं पता, मतलब लूप्स के जरिए करेंगे। अब लूप्स हैं, वहां तो मैंने दिया था फोर, इसका फोर है, लेकिन अगर मुझे साइज ही नहीं पता, नाम से तो नहीं आएगा, नाम ऐसा मतलब अगर हमें साइज नहीं पता, तो इसका वेरिएबल है एरे का जो कि हमें बताता है इसकी लेंथ या इसका साइज कितना है। हम लिखेंगे एस डॉट लेंथ। अगर मैं एस डॉट लेंथ प्रिंट करूंगा, ये बताता है एरे का साइज कितना है। लेंथ का वेरिएबल है, कीवर्ड वेरिएबल है, बेसिकली वेरिएबल कहेंगे इसको। ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल, स्ट्रिंग एरे के अंदर वेरिएबल लेंथ है। लेंथ बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर? चाहिए ये नहीं बताएगा कितने एलिमेंट्स है, ये बताएगा कितनी रेंज है उसकी। अभी इसके अंदर कितने, दो एलिमेंट है, आउटपुट में आपके पास आएगा फोर, क्योंकि उसका साइज बताएगा साइज क्या है, सही है? फिर लूप यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब अगर मुझे लूप रन करना है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फोर लिखता था मैं, अब अगर मुझे लेंथ नहीं पता तो मैं यहां लिखूंगा एस डॉट लेंथ, ये रिटर्न में फोर दे देगा और मैं प्रिंटिंग वही करूंगा जैसे अपनी प्रिंटिंग कर रहा था। अभी लूप कितनी टाइम से रन होगा, जितनी आ रही लेंथ, लेंथ वो बताएगा जो हम ऊपर दी है, दी है बिल्कुल। अगर एरे ने ऐसे चलाया कि लूप चल रहा है और लास्ट में लेंथ बताया 1000 मंथ का चल रही है, वो लेंथ बताएगा, मतलब समझा नहीं मैं किस तरह 1000, हां वो लेंथ बताएगा या वो छोटी हुई है अनन कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये वाली प्रोग्राम है बिल्कुल, तो उसमें सर लेंथ पता नहीं है, ऊपर हमने डिक्लेयर की, सही है, सही है, तो वहां पे सर हमने प्रोग्राम रन किया हुआ है, सही, उसके बाद हमने दोबारा 1000 से ज्यादा चल चुका है, एरे चल चुका है, फिर वो लेंथ काउंट करेगा? नहीं, इसमें क्या करेगा कि ये लेंथ हमें बतानी लाजमी होती है एरे में। अब या तो ये हम बताएं या यूजर बताए, लेकिन बताएगा कोई ना कोई, वो लेंथ बताएगा यूजर ने कितनी लेंथ बताई, इस एरे को रेंज कितनी सेट की हुई है मेमोरी के अंदर, सही है? अब ये एरे प्रिंटिंग करेगा जितना एरे है। अब इसमें मैं कोई भी साइज लूप के अंदर बार-बार चार दफा प्रिंटिंग करता है, मैंने लूप में मैं बार-बार प्रिंटिंग करना पड़ेगा जब लेंथ लिखते हैं, हां लेंथ लिखने के तो लूप में फिर एक ही दफा करना पड़ेगा। अब मैं इसकी रेंज 6 कर देता हूं और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूं कुछ और,
ठीक है, प्रिंटिंग में मैंने कोई चेंजिंग नहीं, पूरे प्रिंट हो गए सही। सर अगर इंडिया को हटा दें चाइना को भी हटा दें तो फिर भी बिल्कुल चलेगा। अब मैंने ये दो हटा दिए ठीक है, अब नल बताएगा बिल्कुल, नल और नल के स्ट्रिंग में नल होती है जब वैल्यू सेट नहीं है वो नल बताएगा लूप तो चल रहा है सही। तो ये प्रिंटिंग का तरीका है एरे सिंपल। अब इसी के थ्रू कि मुझे साइज मालूम नहीं है मैं उल्टा एरे प्रिंट कैसे करूं, इसको उल्टा करके प्रिंट कैसे करूंगा, मुझे साइज मालूम नहीं है, अभी भी साइज मालूम नहीं है मुझे ठीक है, लेंथ के जरिए मैं सीधा तो प्रिंट कर लिया, रिवर्स कैसे प्रिंट करूंगा, किसके कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी रिटर्न में टीचर दे रहा है आपको, देगा 6 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 5 होना चाहिए है ना, तो इसको हम करेंगे -1 एस डॉट लेंथ -1 ठीक है, ये जो भी रेंज है उससे एक कम पे स्टार्ट करें, अभी रिवर्स प्रिंट करें, सेव नहीं है मैंने I-1 ठीक है, रिवर्स प्रिंट करेंगे क्लियर। अब अगर मुझे एरे का पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो 0 और आखिरी एलिमेंट प्रिंट करना है तो, और मुझे पता नहीं है कितना है तो जो भी बनाया हुआ एरे जिस नाम से इस तरह देखो ये ब्रैकेट तो लाजमी लगेंगे, यहाँ पे मुझे देना पड़ता है इंडेक्स, लेकिन मुझे इंडेक्स नहीं पता कि आखिरी कौन सा है, एस डॉट लेंथ -1 डेफिनेटली लेंथ पे 6 देगा, 6 पे कोई एलिमेंट नहीं है -1 ये दे देगा आपको लास्ट एलिमेंट, थ्री कर दो या सिंपल थ्री लिख, जस्ट थ्री लिख दें, अगर थ्री चाहिए तो नहीं नीचे से थ्री चाहिए तो -3 उसमें माइनस करेंगे सही। तो ये एरे डिक्लेरेशन का तरीका है जस्ट लेंथ ठीक है। अब इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेते हैं और एरे में रखते हैं इंटीजर टाइप के, पहले इंटीजर arr इक्वल टू नी ऑफ इंटीजर 5 फॉर int इक्वल टू 0 पहले इस तरह करते हैं arr sc डॉट नेक्स्ट है ठीक है, ये क्या करेगा 5 इनपुट लेके इन पे रख देगा, ये 0 पे रख देगा, 1 पे रख देगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 2 3 4 5 सही है क्लियर। अब यही काम अगर मुझे यूजर के थ्रू करना है, सॉरी लूप्स के थ्रू करना है, क्या हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता कि यूजर कितने इनपुट दे रहे हैं या बहुत सारे इनपुट है, तो इस चीज को भी हम लूप में रख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं i इक्वल टू 0 i लेस देन 4 5 है रख लें सही है। इस पे भी क्या होगा कि यही काम हो रहा है, 5 बार इनपुट लेकर सर मैं अक्सर कैनरी यूज करता हूं ना सर डॉट्स पे